सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं लास्ट मिनट फ्रेंडशिप डे गिफ्ट आइडियाज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रीटिंग कार्ड के आइडियाज़, बिकॉज लास्ट मिनट में एक ही चीज़ बहुत अच्छे से पॉसिबल होती है, ग्रीटिंग कार्ड। तो चलिए आज बनाएंगे ग्रीटिंग कार्ड। तो यहाँ पर जस्ट मैंने पेपर लिया है एंड कुछ क्यूट एंड यूनिक कार्ड हम बनाने वाले हैं फ्रेंडशिप डे के लिए। सो गाइज, वैसे ना लास्ट मोमेंट पे ना कुछ भी नहीं समझता अगर हमने पहले से प्रिपरेशन नहीं की होती है। तो लास्ट मिनट में सबसे बेस्ट वे मैं आपको बताऊँ, इसीलिए मैंने इसको नंबर वन पे रखा है। तो लास्ट में ना बेस्ट वे ग्रीटिंग कार्ड ही होता, जो कि इजीली पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं क्यूट सा कार्ड बना रही हूँ जो कि फ्रेंड्स को बहुत पसंद आने वाला है, बिकॉज ऐसी क्यूट सी चीज़ें तो फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, बहुत ही ईजीली और ये हमारा कार्ड रेडी भी हो गया। तो कैसे लगा ये ईजीएस्ट वे कार्ड बनाने का और बहुत ही क्यूट, नीचे कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट है ये पेपर गिफ्ट आइडिया, जो कि ये भी बहुत ही क्यूट है एंड बहुत ईजीली मैं आपको, मतलब मैं बताऊँ ना, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। तो जस्ट पेपर लेना है, इस तरीके से आपको डबल साइडेड टेप लगा के इसे अटैच करना है और अप साइड डबल साइडेड टेप थोड़ी जगह छोड़ देना है। एंड देखिए, उसे बाद में हम स्टिक करने वाले हैं। तो इसमें चाहे आप चॉकलेट इंसर्ट करो, चाहे कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर अपना आप मैसेज भी यहाँ पर डाल सकते हो फ्रेंड्स के लिए। एंड यहाँ पर डबल साइडेड टेप रिमूव करके इसे स्टिक कर लेना है। तो ये पेपर चॉकलेट गिफ्ट आइडिया थी। तो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। ये थी सेकेंड मोस्ट ईजीएस्ट वे। तो चलिए गाइज, अब देख लेते हैं थर्ड वे। थर्ड वे मैं बना रही हूँ मिनी डायरी, जो कि हैंडमेड चीज़ है। अगर आप फ्रेंड्स को दोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स को। तो देखिए, इस तरीके से पेपर कट करना है आपको एंड यहाँ जस्ट स्टेपल कर देना है। तो हम बना रहे हैं मिनी डायरी, ये भी बहुत अच्छा। इसमें आप अपना मैसेज वगैरह भी पूरी डायरी में लिख सकते हो फ्रेंड्स के लिए। तो हैंडमेड चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं एंड जबकि रियल फ्रेंड्स होंगे उन्हें उसका वर्थ पता होगा, बिकॉज़ वो एकदम अनफॉर्गेटेबल मेमरीज़ रहती है हैंडमेड चीज़ों की। तो देखिए, ये भी बहुत ही ईजीएस्ट वे था गिफ्ट बनाने का, वो भी लास्ट मोमेंट पे। तो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये वाला कौन ट्राई करेगा वो भी कमेंट करके बताना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट गिफ्ट आइडिया। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कीचेन, हैंडमेड कीचेन। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक प्लास्टिक बैग लेना है, उसमें मैं ग्लिटर ग्लू ऐड करती हूँ। एंड अब पेपर फोम शीट ले रही हूँ मैं, इसे कुछ इस तरीके से कट करना है एंड हम बनाएंगे हैंडमेड कीचेन। तो कीचेन भी बहुत अच्छा बनता है, वो भी हैंडमेड। अगर आप गिफ्ट दोगे फ्रेंड को तो बहुत अच्छा लगता है और लास्ट मिनट पर ईजिली बन भी जाएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी जो हमने आगे देखे थे वो थोड़ा सा ईजीएस्ट वे था। तो इसमें से आपको जो भी सबसे ईजी लगेगा आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज़ ये लास्ट मोमेंट गिफ्ट आइडियाज़ है। तो जो भी पॉसिबल वे था मैंने इसमें आपको बताया है। तो देखिए, इस तरीके से ये मैं बिग साइज़ का किचन बना रही हूँ, आपको चाहिए तो आप स्मॉल भी बना सकते हो। तो चलिए, अभी से यहाँ पर मैं इसे स्टिक करती हूँ डबल साइडेड टेप की हेल्प से। एंड बहुत ही क्यूट किचन बन रहा है। ये वाला तो मैंने शायद फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, बट बहुत अच्छा बना था। तो चलिए, अभी इसमें की रिंग इंसर्ट करती हूँ एंड ये हमारा किचन बन के बिल्कुल रेडी हो गया। सो गाइज, ये वाली आइडिया कैसे लगी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट अब देखेंगे हम, ये भी किचन है जो कि सॉफ्ट क्ले से बनाएंगे। सो गाइज, वैसे क्यूट सी चीज़ें ना फ्रेंड्स को देने बहुत अच्छा भी लगता है एंड फ्रेंड्स को पसंद भी आता है। तो ये वाला क्ले वाला भी जो किचन है ना, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, बट ये भी बहुत अच्छा है एंड बहुत ही क्यूट बना था। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आपको राउंड राउंड करना है एंड इसे यहाँ पर स्टिक करना है। एंड ये भी लास्ट मोमेंट गिफ्ट आइडिया है, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मैं आपको बताऊँ तो मैक्स मेरा 15 मिनट्स में ये पूरा रेडी हो गया था। तो देखिए, यहाँ से इस तरीके से आपको शेप देना है एंड आप कलर वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। तो ये वाला कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड इन सब में से आप कौन सा वाला ट्राई करोगे ना, वो भी कमेंट करके बताना। अगर ट्राई किया है तो फीडबैक ज़रूर से देना। तो देखिए, ये भी रेडी है, कीरिंग इसमें इंसर्ट करती हूँ मैं एंड फिर फाइनली हमारा किचन रेडी हो जाएगा। तो ये वाली आइडिया कैसी लगी, ये भी ईजी वे था, बहुत ही क्यूट था। नीचे कमेंट करके बताना कैसी लगी आइडिया, पसंद आई तो लाइक ज़रूर से करना। सो गाइज़, अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंडशिप बैंड गिफ्ट आइडिया। फ्रेंडशिप बैंड तो हम मोस्टली परचेज़ करते हैं, लेकिन हैंडमेड भी आप बना सकते हो। तो हैंडमेड मैंने आपको बताया ना, जब के रियल फ्रेंड्स रहेंगे ना, उन्हें हैंडमेड का ज़्यादा वर्थ उन्हें पता होगा। तो बिकॉज़ वो सब चीज़ें ना, मतलब हम भूल नहीं पाते जो हैंडमेड गिफ्ट्स होती हैं। सो गाइज़, देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी जो डेकोरेटिव स्टोन्स हैं वो स्टिक कर रही हूँ। सो गाइज़, वैसे आप क्या देते हो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट और क्या देने वाले हो फ्रेंडशिप डे पे, ये भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं तो मोस्टली हैंडमेड गिफ्ट देती हूँ, बिकॉज मैं तो क्राफ्टर हूँ एंड मेरे फ्रेंड्स को भी वो बहुत अच्छा लगता है।
सो गाइज देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर फ्रेंडशिप बैंड बना रही हूँ। वैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि फ्रेंडशिप बैंड से ज़्यादा राखी लग रही है, तो आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइज इसलिए मैं आपको यहाँ पर वेयर करके दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी क्यूट लग रहा है, तो ये वाली आइडिया पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी हैंडमेड एक और एक गिफ्ट आइडिया, जो कि है हैंडमेड पेन। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़, इस तरीके से ओल्ड पेन से आपको रिफिल लेना है, ये भी बहुत अच्छी आइडिया है एंड हैंडमेड गिफ्ट है तो बहुत अच्छी रहेगी। तो देखिए गाइज इस तरीके से मैंने दोनों ही तरफ से डबल साइडेड टेप लगा के यहाँ पर इसे वूल पूरी तरीके से वूल में रैप कर दूंगी, और ये कुछ अलग टाइप का वूल है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डेकोरेटिव है। सो गाइज प्लीज़ अगर आपको मेरी क्राफ्टिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से ऑन कर लेना ताकि इन फ्यूचर जो भी अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। सो गाइज देखिए अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये हैंडमेड पेन बना रही हूँ, जो कि हार्ट पेन है, तो डबल साइडेड टेप के हेल्प से मैं ये हार्ट यहाँ पर स्टिक करूँगी दोनों को। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारी पेन बन के बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा लगेगा आप अपने फ्रेंड को ये दोगे एंड आपको जो भी मैसेज लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये गिफ्ट भी बन के बिल्कुल रेडी है, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम बनाएंगे की चेन नोटबुक। जी हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा यूनिक है ना कीचेन नोटबुक, तो यहाँ पर मैं स्टिकी नोट्स का यूज़ कर रही हूँ। तो स्टिकी नोट्स में काफ़ी सारे पेजेस हैं तो हमारी बुक तो ऐसी रेडी हो जाएगी। तो चलिए अभी इसे डेकोरेट करते हैं कुछ टेप्स की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे टेप्स लगा दिया है एंड गाइज ये भी बहुत ही यूनिक आइडिया है, इस तरीके की ना आप जो मिनी डायरी या फिर कीचेन नोटबुक ये सब रेडीमेड भी मिलती है, मैंने देखा था मॉल वगैरह में, तो ये थोड़ा सा ना कॉस्टली आता है, कुछ 250-300 इस तरीके से आता है, लेकिन आप अगर होममेड बनाओगे तो बहुत कम बजट में रेडी भी हो जाएगा, मनी सेविंग भी है एंड इवन बहुत क्यूट भी है ना, आपके फ्रेंड्स को पसंद भी आने वाला है ज़रूर से। तो चलिए यहाँ पे की रिंग इंसर्ट करती हूँ मैं एंड हमारी कीचेन नोटबुक बनके बिल्कुल रेडी हो गई गाइज। तो ये कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, ये वाला गिफ्ट आइडिया कौन ट्राई करेगा ज़रूर से कमेंट करके बताना, पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गिफ्ट आइडिया। तो नेक्स्ट गिफ्ट आइडिया है पेन स्टैंड, तो ये भी अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड्स को गिफ्ट दोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर एक वेस्ट बॉक्स लिया है, इसे कलर कर देती हूँ, तो आप अपने चॉइस का कोई भी कलर कर देना। सो गाइस इस तरीके से पेन स्टैंड या फिर आप पेन होममेड पेन बनाकर होममेड डायरी बनाकर भी फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो अगर आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है एंड इवन यूज़फुल भी है, आपके फ्रेंड्स को काम भी आएगी ये चीज़ें। तो देखिए बहुत क्यूट सा मैं पेन स्टैंड आपको बताती हूँ। तो पेन स्टैंड कौन कौन बनाने का प्लान कर रहा था पहले से नीचे कमेंट करके बताना। सो गाइस देखिए इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया है एंड बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा, ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही इजी वे है एंड बहुत अच्छा आपके फ्रेंड्स को ज़रूर से पसंद आएगा। तो देखिए हमारा पेन स्टैंड रेडी है, तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।